तो हम आज एक ऐसे ही टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पोर्टम वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। प्लस होगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। जो हमारे करंट में डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, तो अभी इन्होंने 75th जो यूएन का पीस कीपिंग डे था वो अटेंड किया। वो कहाँ पर हो रहा था? तो वो न्यू दिल्ली में ही हो रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने स्पीच में बात की कि यूएन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव रिफॉर्म्स की। आप जानते हैं कि 1945 में यूएन का गठन हुआ था, तब से और अब तक कोई रिफॉर्म्स नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुए। जो उस टाइम पे P5 कंट्रीज थी, P5 कंट्री मीन्स जिन कंट्री के पास वीटो पावर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो एज इट इज़ ही हैं, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इंडिया और तीन कंट्रीज़ और हैं जो बार बार बोलते हैं कि यूएन में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि हमें भी जो वीटो पावर मिले। ये जरूरी इसलिए क्योंकि यूएन में जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी पॉइंट या डिस्कस किए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, वो सारे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ही डिस्कस होते हैं। यूएन की वैसे 6 ऑर्गन है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जो P5 कंट्रीज़ हैं, P5 कंट्रीज़ कौन है? UK, USA, फ्रांस और रशिया और चाइना। जो ये चार कंट्रीज़ हैं वो तो हमारे फेवर में रहते हैं, लेकिन चाइना, हम कुछ भी अगर चाइना से वीटो पावर के लिए हमने जब भी को चाइना ने अपोज़ किया है, चाइना ने हमेशा अपनी वीटो पावर का हमारे अगेंस्ट ही यूज़ किया है। ये हम भी जानते हैं, जब तक चाइना के पास वीटो पावर है जाने वाली तो है नहीं, तो हम भी चाहते हैं हमें भी वीटो पावर मिले, उसको अबेंड कर देता है अपनी वीटो पावर से। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने ज़रूरी हैं, ये हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने बोला है। 75th जो पीस कीपिंग डे एनिवर्सरी थी, जो न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट हो रही थी यूएन की, तो वहाँ पर उन्होंने बोला है। और 75 ईयर्स हो चुके हैं और इंडिया स्टार्टिंग से ही जो पीस कीपिंग ट्रूप्स है उनमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है हमेशा। जितने भी सोल्जर ने सर्व किया है, अराउंड 2.75 लाख सोल्जर्स ने, इंडिया के सोल्जर ने सर्व किया है अभी तक। करंट में बात करो तो 50,000 प्लस सोल्जर्स हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पीस कीपिंग फोर्सेस में वर्क कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा है, जितने भी कंट्रीज़ हैं यूएन में उनमें सबसे ज़्यादा ये है। अगर मैं डोनेशन की बात करूँ तो यूएस सबसे ज़्यादा डोनेशन करता है, लेकिन अगर सोल्जर की बात करूँ, ट्रूप्स की बात करूँ, तो वो इंडिया से ही होते हैं हमेशा ज़्यादा है। चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है यूएन में, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास भी वीटो पावर और परमानेंट सीट हमें मिले। अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट में जो परमानेंट मेंबर्स है वो 5 है, चाइना, फ्रांस, UK, रशिया और US। तो जितने भी जो भी रेजोल्यूशन आता है यूएन में वो परमानेंट मेंबर की असेंट के बिना पास नहीं होता है। अगर सपोज करो चार अगर रेडी हैं, चार ने असेंट दे दी, अगर एक कंट्री ने भी उसको असेंट नहीं दिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। तो वीटो पावर ये है कि उन कंट्रीज़ का तो पास होना ज़रूरी है जो और अदर कंट्रीज़ हैं उनसे पास हो या ना हो, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है परमानेंट सीट का, इसलिए चाहते हैं कि हमें परमानेंट सीट मिले। जो क्रिटिसिज्म होता है वो इसलिए होता है, परमानेंट मेंबरशिप जो स्टार्टिंग से 1950 से सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए। दूसरा, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वीटो राइट और उनके वीक इक्वल रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स। जो रिप्रेजेंटेशन है वो टॉप फाइव कंट्रीज़ के पास ही है, जो चाइना, फ्रांस, UK और रशिया और US। तो इसको लेके क्रिटिसिज्म होता है। चाइना और रशिया ने 4 बार रेजोल्यूशन सीरिया पर रोक दिया 2011 से। उसके बाद US ने यूज़ किया वीटो पावर 42 टाइम्स इसराइल के को लिए सेव करने के लिए, कब से? 1972 से। फिलिस्तीन के बात करें तो फिलिस्तीन नोट बिकम एन UN मेंबर एज फुली मेंबरशिप रिक्वायर्ड UNC अप्रूवल। फिलिस्तीन को इंक्लूड ना करना, यो भी US ब्लॉक कर देता है क्योंकि इसराइल का फ्रेंड है US। उसके बाद चाइना ब्लॉक्स ताइवान UN मेंबरशिप क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है, और चाइना UN जो उसका मेंबर है ताइवान को नहीं बनने देता, उसके पास वीटो है वहाँ से रोक लेता है। तो ये मेन सारे इशूज़ हैं जो करंटली न्यूज़ में बने रहते हैं और इन पर डिस्कस होता ही रहता है मंथ और वीक में। इस पर UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स पे हमेशा न्यूज़ चर्चा बना रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये तो नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में स्टैटिक फैक्ट आएंगे, पूछ लेंगे कब बना था UN। तो 1950 बना था, 1945 में गठन हुआ था, फिर जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1950 में हुई थी। तो ये सब कौन P5 मेंबर्स हैं, कौन नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वही सारी चीज़ें पूछेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। किस रिफॉर्म्स को लेकर बात हो रही है? तो रिफॉर्म प्रपोजल के वो क्या जो रखा गया है वो ये है कि इंक्रीज़ द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनके मेंबर्स को इंक्रीज करें, प्लस जो रिस्ट्रिक्ट है वीटो पावर राइट को उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में इक्वल
रिप्रेजेंटेशन हो, इक्वल डिविडेशन हो। और एक ऐसी कंट्री है कोसोवो जिसे रशिया के पास वीटो पावर है, तो वो उसको यूएन जो यूएन का मेंबर नहीं बनने देता, वो ब्लॉक कर देता क्योंकि रशिया के पास भी वीटो पावर है। और रशिया सर्बिया का काफ़ी अच्छे रिलेशन है और सर्बिया और कोसोवो में टसल रहती है, तो ये भी एक इशू आता है निकल के। करंट में जो रिफॉर्म्स की सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो चार कंट्रीज़ हैं, कौन से? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ये चार कंट्रीज़ हमेशा नजर में आते हैं कि हमको भी परमानेंट सीट चाहिए। क्या टसल रहती है? टसल ही रहती है, और जो कि सही भी है। कब से? 1992 से इंडिया, ब्राज़ील और जर्मनी और जापान कंटिन्यूसली क्लेम करते हैं कि हमें भी इंक्लूजन चाहिए परमानेंट मेंबर्स का। अब इंडिया तो हो गया एशिया से, वो भी सही है। ब्राज़ील हो गया साउथ अमेरिका से, जर्मनी हो गया यूरोप से, और जापान हो गया साउथ पैसिफिक एशिया से। इंडिया का बहुत ज़रूरी किस लिए हो जाता है? क्योंकि इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन गया है, प्लस लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, थर्ड हम जो परचेजिंग पावर है वो इंडिया की है, ठीक है, जो लार्जेस्ट ट्रूप सर्विंग की है यूएन में वो इंडिया के हैं। तो सारी चीज़ें देखते हुए इंडिया का तो बहुत ज़रूरी हो जाता है परमानेंट सीट मिलना। ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील बोलता है कि वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन द लैटिन अमेरिका और फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जापान जर्मनी बोलते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल डोनेटर यूएन। तो जापान और जर्मनी बोलते हैं हम सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं यूएन में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भी सीट चाहिए। बिसाइड फोर कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज आल्सो क्लेम। साउथ अफ्रीका में जो कंट्री है साउथ अमेरिका अफ्रीकन, उसके बाद बिसाइड फोर इन जी फोर कंट्री के बाद साउथ अफ्रीका भी बोलता है क्योंकि हम लार्जेस्ट इकोनॉमी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, हमको भी परमानेंट सीट चाहिए, वो भी क्लेम करते हैं। उसके बाद बात आते हैं रोड ब्लॉक की बात करें तो रोड ब्लॉक कैसे होती है? तो जो यूएन का जो आर्टिकल है आर्टिकल 108 और 109 वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर ग्रांट करता है जो P5 वीटो कंट्रीज हैं कि ओवर एनी अमेंडमेंट टू द चार्टर रिक्वायरिंग देम टू अप्रूव ऑफ एनी मॉडिफिकेशन एट द यूएन वीटो पावर एंड दे देम सेल्फ होल्ड। तो जो चार्टर एक्ट का जो आर्टिकल है 108 और 109 वो ये कहता है कि जो भी रेजोल्यूशन होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा यूएन में, वो P5 कंट्री जो परमानेंट मेंबर है उनकी वीटो पावर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, उनका अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, उनके अप्रूवल के बिना कोई रेजोल्यूशन कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। और चाइना जब तक है वो पता है चाइना हमें कभी सपोर्ट करेगा नहीं और अमेंडमेंट होगा नहीं तो हमको नहीं मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो, दोबारा से गठन हो और दोबारा से इक्वली डिवीजन हो परमानेंट सीट का और वीटो पावर का। लेकिन इशू ये भी है कि रिफॉर्म्स को लेकर P5 कंट्री हमें कभी एग्री नहीं करती, वो भी जानते हैं कि अगर सबको P5 कंट्री मिलेगी तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो हमेशा डिनाई करते हैं रिफॉर्म्स को लेके। तो ये इशू करंट पर बना ही रहता है, चर्चा में रहता ही है न्यूज़ में। अब जो एक इशू है वो है कॉफी कंट्रीज़ वो है जो इन कंट्री को अपोज करती हैं। अपोज कैसे? जैसे इंडिया है, इंडिया परमानेंट सीट के लिए भी बोलता है तो पाकिस्तान उसको अगेंस्ट करता है। ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। और एक साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना है वो भी क्लेम करता है, वो भी कहता है कि अगर इनको मिलेगी तो हमको भी चाहिए। जर्मनी की बात करें, जर्मनी के लिए स्पेन और पुर्तगाल बोलते हैं कि अगर जर्मनी को मिलेगी तो हमको भी चाहिए। जापान की बात करें तो जापान के साउथ कोरिया को टसल हो जाती है कि अगर जापान को मिलेगी तो हमको चाहिए, हम भी लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये जो कॉफ़ी कंट्री क्लब हैं, याद रखिए, एग्जाम पूछ सकते हैं कॉफ़ी कंट्रीज क्लब कौन से हैं, तो उसमें इंडिया के लिए हो गया पाकिस्तान, ब्राज़ील के लिए हो गया अर्जेंटीना, जर्मनी के लिए हो गया स्पेन और पुर्तगाल, और जापान के लिए साउथ कोरिया। अभी रिसेंटली हम नॉन परमानेंट मेंबर बने थे, इंडिया और जापान ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में, दो ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको सबसे ज़्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर के लिए इलेक्ट किया गया है। 8 times इंडिया इलेक्ट हुआ है, 7 times जापान इलेक्ट हुआ है। हमारी जो नॉन परमानेंट सीट की जो मेंबरशिप थी वो भी रिसेंटली खत्म हुई है। June 17 इंडिया इलेक्टेड है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद 184 कंट्रीज़ असेंट मिली थी हमें, कितनी? 192 कंट्रीज़ में से। ए मेंबर कंट्री नीड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इन द जनरल असेंबली टू बिकम नॉन परमानेंट मेंबर। किसी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो टोटल वोट है उसका 2/3 होना चाहिए। 2/3 कितना? किसका? 193 कंट्रीज हैं टोटल यूएन में, तो उसका 2/3 होना चाहिए जो परमानेंट मेंबर इलेक्ट करने के लिए। 8 times हम इलेक्ट हो गए हैं, सबसे ज़्यादा बार हम ही इलेक्ट हुए हैं, उसके बाद जापान है, 7 times हुआ है। टोटल कितनी कंट्रीज होती है? तो टोटल कंट्रीज कितनी? 15 है, जिसमें से 5 तो परमानेंट कंट्रीज है जिनके पास वीटो है, और 10 होती है नॉन परमानेंट। तो हम नॉन परमानेंट कंट्रीज का जो पार्ट है वो 8 times बन चुके हैं अभी तक। रिसेंट जो है 22 में हमारी जो मेंबरशिप है नॉन परमानेंट वाली वो खत्म हुई है। तो अभी रिसेंट इसके इंडिया सीट एट द टेबल, तो P5 कंट्रीज तो फ्रांस, रशिया, UK, US और चाइना है। और जब हम P5 की सपोर्ट की बात करें तो उसमें से 4 कंट्रीज हमारा हमेशा सपोर्ट करती हैं, लेकिन एक कंट्री जो हमें सपोर्ट नहीं करती है, कभी भी नहीं करेगी, वो है चाइना। चाइना हमेशा अपने वीटो पावर का यूज़ हमारे अगेंस्ट ही करता है, तो ये सबसे बड़ा इशू है, इसलिए हम रिफॉर्म्स की बार बार बात करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन के,
इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में बाई एन यूएन चार्टर। हेडक्वार्टर की बात करें न्यूयॉर्क में, फर्स्ट सेशन जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसकी हुई थी 17 जनवरी 1946। कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी लंदन में। मेंबरशिप की बात करें, टोटल 15 मेंबर होते हैं। 500 परमानेंट है, वो तो चेंज नहीं होते, वो तो हमेशा रहते हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 10 हैं, लेकिन वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। 2 साल बाद वो फिर से इलेक्ट होते हैं दूसरी कंट्रीज। रोटेट करती है कैसे, जो इसकी प्रेसिडेंसी होती है यूएन की, वो एवरी मंथ रोटेट करती है अमंग द 15 मेंबर। जो प्रेजिडेंट में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, तो उनकी जो प्रेसिडेंसी है उनमें ही हर महीने रोटेट करती है। इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी वो दिसंबर 2022 में समाप्त हो गई थी। वोटिंग पावर की बात करें, एक मेंबर एक वोटिंग होती है। P5 हैव द वीटो पावर। जो P5 कंट्रीज है, परमानेंट कंट्रीज है, उनके पास वीटो पावर भी है। G4 कंट्रीज की कौन सी बात, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान, विच एडवोकेट ईच अदर बिड्स फॉर परमानेंट सीट इन द UN NSC। तो हम ये नहीं चाहते कि हम ही इंक्लूड हो, हम चाहते हैं कि ब्राज़ील भी इंक्लूड हो, जर्मनी भी इंक्लूड हो, जापान भी। तभी हम जो चारों कंट्रीज है आपस में सपोर्ट करती हैं एक दूसरे की परमानेंट सीट के लिए। जब हमारी बात होती है तो 3 कंट्री सपोर्ट करती हैं, जब जापान की बात होती है तो 3 कंट्री सपोर्ट करती हैं। इट मीन्स कि इक्वली जब भी कोई किसी कंट्री की बात होती है इन चारों कंट्री में, चारों कंट्री आपस में सपोर्ट करती हैं यूएन में। इंडिया यूएन की बात करें तो 7 टाइम्स हम नॉन परमानेंट इलेक्ट हो चुके थे, 8th टाइम हुए थे हम, लास्ट टाइम जो हुए थे 2021 में 2022 में, जो हमारा रिसेंटली ही खत्म हो गया है 10 ओवर। तो हम टोटल 8 टाइम्स इलेक्ट हुए हैं नॉन परमानेंट। जापान 7 टाइम्स हुआ है, सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, कोई टाइम्स इतनी नॉन परमानेंट इलेक्ट नहीं हुआ है, तो याद रखें। तो मैंने बताया नॉर्मली अभी डिस्कस किया था कॉफ़ी क्लब, तो कॉफ़ी क्लब है कॉफ़ी कंट्रीज जैसे इटली, स्पेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कॉफ़ी क्लब या कॉफ़ी कंट्रीज कौन सी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान। इटली, स्पेन अपोज करती हैं जर्मनी की बिड को, पाकिस्तान अपोज करता है इंडिया की बिड को, अर्जेंटीना अपोज करता है ब्राज़ील की बिड को, और ऑस्ट्रेलिया अपोज करता है, साउथ कोरिया भी अपोज करता है, साउथ कोरिया यहाँ पर नहीं है, जापान की बिड को। तो ये कॉफ़ी क्लब हैं, कॉफ़ी कंट्रीज़ हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कॉफ़ी कंट्रीज़ कौन सी है, कॉफ़ी क्लब कौन सी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। मेजर चेंजेस बता चुके हैं मैंने, डीप पोलराइजेशन है अमंग 5 में, फ्रीक्वेंटली डिवीजन एंड अप हॉकिंग डिसीजन, और जो डिसीजन उनके फेवर में होता है उसको ही असेंड करते हैं, बाकी को डिनाई कर देते हैं, वीटो पावर यूज़ कर लेते हैं। तो ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि 75 ईयर्स हो गए हैं यूएन को इस्टेब्लिश हुए और कोई रिफॉर्म्स नहीं हुआ, जैसे था स्टार्टिंग वैसे चल रहा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो 5 मेंबर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट। नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो अल्बेनिया का जो खत्म होगा 10 ओवर 23 में होगा, ब्राज़ील का 23 में होगा, गैबोन का 23 में होगा, घाना का 23 में होगा, इंडिया का 22 में समाप्त हो गया। 21 से 22 में 2 साल होते हैं नॉन परमानेंट जो मेंबर होते हैं इलेक्ट। तो इंडिया का खत्म हो चुका है, आयरलैंड का खत्म हो चुका है, केन्या का खत्म हो चुका है, मैक्सिको का खत्म हो चुका है, नॉर्वे का खत्म हो चुका है, और यूए का 2023 में होगा। अब इनका जो कंट्रीज का खत्म हुआ है 2020 में, 4 कंट्रीज़ का, इनको किन किन ने रिप्लेस किया है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया को और जो 4 कंट्रीज़ हैं और अदर, उनको जो रिप्लेस किया है वो किया है इक्वाडोर ने, जापान ने, माल्टा ने, मोज़ाम्बिक ने और स्विट्ज़रलैंड। तो इन कंट्रीज से रिप्लेस किया है जो कि नॉन परमानेंट मेंबर का जिनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है 2 साल के लिए, उसके बाद 2 साल के बाद इनको रिप्लेस करेंगे। तो 2 साल के लिए टेन्योर होता है नॉन परमानेंट का, और जो परमानेंट है वो परमानेंट रहती हैं। दीज कंट्रीज विल रिप्लेस इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और। तो इन कब ख़त्म हुआ, तो जनवरी 2023 को इनका ख़त्म हो गया था, इन्होंने रिप्लेस किया है। तो मैंने इनसे डिस्कस किया था, हम 8 टाइम्स बन चुके हैं नॉन परमानेंट मेंबर। कब कब बने हैं, तो फर्स्ट टाइम जब नॉन परमानेंट मेंबर बने थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो बने थे 1950 में बने थे जब इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद सेकंड टाइम बने 1967 में, थर्ड टाइम बने 1972 में, फोर्थ टाइम बने 1977 में, फिफ्थ टाइम बने 1984 में, सिक्स टाइम बने हम 1991 में, और 2011 में बने हम 7 टाइम, और 2020 में जो कि हमारा 2022 में ख़त्म हो गया तब बने थे हम 8 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा है, याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम फर्स्ट टाइम कब बने थे नॉन परमानेंट, तो बने थे 1950 में, और लास्ट टाइम कब बने थे 2022 में, जो कि हमारा टेन्योर ख़त्म हुआ है। अब यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट की बात करें तो यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, एक तो जनरल असेंबली है, जो सिक्योरिटी काउंसिल ये मेन है, यहाँ से ही जो रेजोल्यूशन अमेंडमेंट होते हैं वो आप सब यहाँ से ही पास होते हैं, यहाँ पे ही इशू है जो परमानेंट मेंबर का, नॉन परमानेंट मेंबर का इशू। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर सेक्रेटरीट, एक होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 ऑर्गन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यूएन के जो कितने ऑर्गन हैं, तो यूएन के जो हैं टोटल 6 ऑर्गन हैं। कौन कौन से हैं दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ट्रस्टीशिप काउंसिल है।
तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगे, और इन फ्यूचर कुछ अपडेट होती है इससे रिलेटेड तो मैं इस पर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। शेयर भी कर दे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप।